प्रशासन वालों चंडीगढ़ प्रशासन के उत्ते लगातार रेहड़ी फड़े वाले जोड़े ने वो दोष ला रहे हैं, कह रहे हैं कि साथ धक्का किया जा रहा है। हरिंदर सिंह लखोवाल भी इतने पहुंचे ने किस तरीके समर्थन जोड़ा है इन्हें रेहड़ी फड़े वालों का कर रहे हो। देखो हम तो साथ में जिंदगी आंदोलन तो इनको करना पड़ेगा। टिकैत साहब फिर इन्होंने दोष की रहे क्योंकि लगातार प्रशासन के उत्ते भी लगातार 10 दिन तो धरने से बैठे हुए हैं, किन्होंने दोषों को लैके इस वक्त धरने से बैठे हुए हैं, तो प्रशासन उन्होंने दोषों लैके कितना गल करो। देखो प्रशासन वो काम करेगा जो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी के कार्यशैली से सरकार का चेहरा दिखाई देता है। प्रशासनिक अधिकारी दिखेगा, अगर प्रशासनिक अधिकारी बात नहीं करना तो सरकार बात करना नहीं चाहती। ये रवैया है, बिल्कुल इनको पता रहना चाहिए। 50,000 रुपया ले लिया तो उसका कोई हद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई थान नहीं मिली, जबरदस्ती हाले भी इन्होंने उठाया जा रहा है। अभी 2 साल में पूरे देश के सर्वे हो रहे हैं, जो इनकी विचारधारा से सहमत होगा उसको तो लाभ मिलेगा और जो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं होगा उसको लाभ मिलेगा। आज चंडीगढ़ दे विच रेहड़ी फड़ी दी जिहड़ी पार्टी है उसका समर्थन करने लई भारतीय किसान यूनियन के स्पोक्सपर्सन राकेश टिकैत पहुंचे। गलबात जरूर करने की कोशिश करांगे। सो टिकैत साहब कितना देखा जाए क्योंकि प्रशासन वालों चंडीगढ़ प्रशासन के उत्ते लगातार रेहड़ी फड़े वाले जोड़े ने वो दोष ला रहे हैं, कह रहे हैं कि साडे नाल धक्का किया जा रहा है। तुहाडे नाल हरिंदर सिंह लखोवाल भी इत्थे पहुंचे ने, किस तरीके नाल समर्थन जोड़ा है इन्हें रेहड़ी फड़े वाले का कर रहे हो तुसीं? देखो हम तो साथ में है जिनके आंदोलन तो इनको करना पड़ेगा, हम इनको समर्थन देते रहेंगे, आते रहेंगे जब तक इनकी बात नहीं मानी जाए, आते रहेंगे। क्योंकि हम तो 13 महीने भाई वहाँ पर रहे हैं और चंडीगढ़ के लोगों का उस टाइम पे जब आंदोलन दिल्ली में चला इनका बहुत सहयोग रहा है, सब लोगों ने समर्थन चंडीगढ़ के लोगों ने करा। आज इनको ज़रूरत है तो हम लोग आएंगे। टिकैत साहब फिर इन्हों के दोष की ने क्योंकि लगातार प्रशासन के उत्ते भी लगातार पिछले 10 दिन तो धरने से बैठे हुए हैं, किन्होंने दोषों को लैके इस वक्त धरने से बैठे हुए हैं, तो प्रशासन उन्होंने दोषों लैके कितना गल कर रहे हो? देखो प्रशासन वो काम करेगा जो सरकार कहेगी। प्रशासनिक अधिकारी के कार्यशैली से सरकार का चेहरा दिखाई देता है, उसकी कार्यशैली दिखाई देती है। सरकार तो दिखेगी नहीं लेकिन प्रशासनिक अधिकारी दिखेगा, अगर प्रशासनिक अधिकारी बात नहीं कर रहा तो सरकार बात करना नहीं चाहती। ये रवैया है, बिल्कुल इनको पता रहना चाहिए, उनके खिलाफ डटा रहना चाहिए और अगर वे बात करेंगे तो ये लोग बात करेंगे। हम पूरी कमेटी के साथ में इसकी। ये तो पार्टी भाजपा के किसी एक पार्टी के प्रवक्ता के भी इल्जाम ला रहे, कह रहे हैं कि 50,000 रुपया ले लिया तो उसका कोई हद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई थान नहीं मिली, जबरदस्ती हाले भी इन्होंने उठाया जा रहा है। वो बिल्कुल उन्होंने लिखित में शिकायत अधिकारियों को दी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इनके पैसे वापसी दिलवाए जाए। और ये पार्टी के लोगों को लाभ देते हैं। अभी 2 साल में पूरे देश के सर्वे हो रहे हैं, जो इनकी विचारधारा से सहमत होगा उसको तो लाभ मिलेगा और जो इनकी विचारधारा से सहमत नहीं होगा उसको लाभ मिलेगा नहीं। ये 2 साल में और स्थिति खराब होगी। फिर स्थिति नू की मन्निए, केड़ी स्थिति चल? आंदोलन देश में आंदोलन नहीं होगा तो स्थिति यही बनेगी। इस स्थिति नू की नाम दईए कि ये कि सरकार की कर रही है, किस स्थिति वाल सरकार वध रही है? देखो सरकार का तो जो काम है वो तो दबाने का काम कर रही सरकार तो, और उसका मुकाबला आंदोलनों से दबा दी स्थिति तुसी कह रहे हो? हाँ बिल्कुल दबा रही है सरकार, दबा रही है। इस तो हर प्रभावित इलाकों भी जाके आए हो, टिवाणे पिंड तुसी गए सीगे, की मंजर उत्थे देखिया ते किस तरीके नाल जेडे किसान ने उन्हां नाल तुहाडी की गलबात हुई? देखो किसान तो बोलने की स्थिति में, किसान तो अपने खेत में जाता है, खेत को देखता है, जिस खेत को 10-15 दिन पहले अच्छा छोड़ कर गया था आज वो पूरा कंक्रीट और रेतीला जंगल बन गया। वहाँ पे गड्ढे बन गए, वहाँ पे नदियाँ बन गई, नाले वहाँ पे बन गए। तो स्थिति खतरनाक स्थिति है। सरकार को तुरंत चाहिए कि उनकी मदद करें, उनके खेतों को इकसार करवावे, उन पर ज़मीन जोतने लायक उस ज़मीन को तैयार करवावे। ये सरकार कर सकती है अभी, और नहीं तो किसान तो बहुत किसान वे हैं कि जो सुसाइड के कगार पर जाएंगे। जिन किसानों ने ज़मीन ठेके पर ले रखी है उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब है कि उनकी फसल भी बर्बाद हुई, उनने ज़मींदारों को कुछ पैसा भी दे दिया, उनकी फसल बर्बाद हुई, जो जैनवन किसान थे उनकी ज़मीनें बर्बाद हुई, तो दोनों किसान मारे गए हैं। लगता कि थानू कि सूबे की जी सरकार है, पंजाब सरकार है, वो इन्नी हैगी है कैपेबल कि वो इन्हों का मुआवजा दे सके, क्योंकि कितने ना कितने अज खबर यह भी सामने आई है भाजपा के कुछ आगू ने इल्जाम लाया कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो पंजाब के ने उन्होंने कहा है कि सारा मुआवजा पंजाब कल्ला नहीं दे सकता, केंद्र को भी छत पाना चाहिए। तो केंद्र को तो देना ही चाहिए भाई, दूसरी जगह भी तो केंद्र मदद कर रही है, या तो ये कह दे कि केंद्र मदद करती नहीं और पहले कभी मदद नहीं करी। आपदा में केंद्र सरकार मदद करती है, उसको करनी चाहिए। मतलब बीजेपी वाले मतलब ऐसे ही एलिगेशन लगा रहे कि नहीं दे रहे, क्या उन्होंने हरियाणा में दे दिया? हरियाणा में उनकी सरकार है, वे क्या उत्तर प्रदेश में दे दिया? जब तक केंद्र की मदद नहीं होगी तो स्टेट कुछ नहीं कर सकती, केंद्र को भी मदद। 281 करोड़ रुपया इलाकिਆਂ ਨੂੰ पंजाब के ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ है, उसकी मदद 281 करोड़ की मदद ਜਿਹੜੀ ਹੈ केंद्र ने भेजी है। लगता कि वो पूरी पै जूगी किसानों को, जिन्ना किसानों का नुकसान हो गया। नुकसान तो बहुत है, 281 से कुछ नहीं होता, नुकसान बहुत है, नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान है। जब तक फिजिकल सर्वे नहीं होंगे, और सर्वे भी ये हैं कि खेत के आधार पर सर्वे, जिसका खेत का जितना नुकसान हुआ है उसी के आधार पर सर्वे हो। सब्जियां के भाव बीते समय पंजाब च काफ़ी वध गए, टमाटर कहते 300 रुपये किलो पहुँच गया, लोगों के घरों के हाहाकार मच गई, कहते जी सब्जी हर बनने वाली सब्जी च पैंदी है उही महंगी हुई है, तो असी किदां घर चलाइए, किदां घर बनाइए? क्योंकि जेकर टमाटर की गल करिए 300 रुपये किलो हो गया, गोभी जी है वो 150 रुपये किलो में विकन लग पी, हर सब्जी जी है वो समान छून लग। व्यापारी रेज का भाव किसान को कुछ ना मिल रहा, इसमें भी महंगाई में भी किसान तो ऐ ही रहेगा, किसान को कुछ नहीं मिल रहा। पहाड़ से जो टमाटर आता है वे कैरेट में उसको रख देते हैं, गाड़ी वाले को देते हैं कि इसको मंडी में बेच दिए। वो गाड़ी वाला उनको जो पैसे दे देगा, मंडी में एक व्यापारी खरीदने वाला वो जो पैसे दे देगा वही किसान के पास में जाता है। किसान को कुछ नहीं पता कि इसका भाव क्या है, किसान को इसमें भी कुछ नहीं मिल पा रहा जी। फिर किदां देखिए, क्योंकि आम घर के लोग जोड़े ने हाले भी त्रासद ने, हाले भी कह रहे हैं कि साढ़े घर तो सब्जियां बननिया औखिया हो गई। एक दिहाड़ीदार बंदा किदां घर सब्जी बना? किसान ने नहीं महंगा करा। ये जो बीच का आदमी है ना, इसे पकड़ना चाहिए। ये बीच का आदमी दिखाई कम देता है, सरकारी आदमी होता है। कौन है? अरे सरकार का आदमी रहता है, ये जो व्यापारी है सरकार का होता है, ये तो सरकारी व्यापारियों की। मणिपुर के जी घटना वापरी उन्होंने कितना देखा जाए? देश के प्रधान चाहिए, मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिस तरह की घटनाएं वहाँ पे हुई, शर्मसार देश हुआ है, जो लड़कियों के साथ में करा गया है, तो शर्मसार ये देश हुआ है पूरा। ठीक है सर, हरिंदर सिंह लखोवाल मौजूद ने। लखोवाल साहब, कितना देखिए कि जोड़ा जिस तरीके पंजाब के इस वक्त हालात बने हुए हैं, खास करके जो झोना जीरी की फसल है वो तो बर्बाद हुई हुई, पर जो मानसे में पानी गया, मानसे के पानी जाने करके जी फसल रूई की फसल होंगी है जी वो खराब हो गई, उसनों कितना देखा जाए? क्योंकि हर पासे इस वक्त जोड़ा किसान है वो हर करके त्राहिमाम कर। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵਹਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਲਾਲੜੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਉਖੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਫੁੱਟ ਨੀਵੇਂ ਕਰਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਦੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀੋਂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ 50000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ SKM ਨੇ 100 ਏਕੜ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 10-15 ਏਕੜ ਪਨੀਰੀ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਵੰਡਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਰਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ, पर उत्थे कोई फौरी मदद दी नहीं गई। वो लोग आप लगे हुए आ, वो खेत एडी छेती तैयार नहीं हो सकते। फौरी तौर पर सरकार नूं दखल दे के मदद करनी चाहिए। पहला जेकर गल करिए, गुलाबी सूंडी की मार पई, उस तो बाद हुण हड़ की मार पै गई है फसल के उत्ते, खास करके मानसा वाला जिहड़ा इलाका है। बीते दिन मानसा च काफ़ी ज़्यादा पानी वाला आ। कहते गुलाबी सूंडी वालों को हाले तक मुआवजा नहीं मिलिया, हुण इसका किद्दां देखा जाएगा? नहीं, गुलाबी सूंडी नूं नहीं मिलिया, जिहड़े सानूं गड़ेमारी का मुआवजा नहीं मिलिया। वो 20 करोड़ रुपया दे के सरकार चुप करके 20 करोड़ दे इश्तिहार लवा वाले इन्होंने, तो वो सानू कुछ नहीं मिलिया। इसलिए असीं कहने कुदरती आफत इनू डिकलेयर करे सरकार, केंद्र सरकार भी मदद करे, तो पंजाब सरकार भी फौरी तौर पर जिन्हों का बड़ा नुकसान होया उन्होंने राहत दवे। हरिंदर सिंह लखोवाल जो कि भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के प्रधान ने, तो इस वक्त चंडीगढ़ पहुँचे सके। तो चंडीगढ़ है इस वक्त जी इन्होंने जी रेहड़ी फड़ी जी पार्टी है उसका समर्थन किया तो नाल जिस तरीके पंजाब के हड़ के कारण जोड़ा है किसानों का नुकसान होया हर पीड़ित जो इलाके ने उन्होंने इलाकों का दौरा भी किया। सीधे तौर के उ कह रहे हैं कि पंजाब सरकार जी है वो फौरी तौर के उत्ते जोड़े किसानों का नुकसान है उन्होंने मदद करे। कैमरा परसन रविंदर के नाल साजिंदर लिविंग इंडिया न्यूज़ चंडीगढ़।